सुजाता मधोक फ्रॉम निर्माण मजदूर पंचायत संगम। अरविंद जी, आप कहते हैं आप आम आदमी के साथ हैं, तो हमारा सवाल ये है कि आप ऑर्डिनरी वर्कर के लिए, मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है मजदूर के लिए? क्योंकि अभी हमें लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ठेका मजदूरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर सब जगह है। इट इज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, इट्स इन द एंटायर प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसके खिलाफ आप बताइए कि आप क्या करेंगे या क्या आप समझते हैं कि ये सही है? मैं आपसे सहमत हूँ। इनफैक्ट जब हमने दिल्ली के चुनाव लड़े थे, अपने घोषणा पत्र में इसको एक मेजर पॉइंट हम लोगों ने लिखा था। आज दो तरह की समस्याएं, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर की और एक रेगुलर लेबर की, दोनों की समस्याएं हैं। आज नॉर्मल बेनिफिट्स अवॉइड करने के लिए और कानून को अवॉइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लगभग बंद कर दी गई है। मैं एक दिन NDMC, बिकॉज एज चीफ मिनिस्टर आई वॉज द चेयरपर्सन ऑफ NDMC ऑल्सो, NDMC के सारे अधिकारियों की एक दिन मीटिंग ले रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, NDMC के एक डिपार्टमेंट में, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट में, वहां के डायरेक्टर बोलते हैं आई एम द ओनली परमानेंट एम्प्लॉई, रेस्ट ऑल आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आई वॉज रियली शॉक्ड, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, फलाना डायरेक्टर, नीचे तक सारे कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो इसका मतलब ये एक साजिश है कि जो आपको बेनिफिट्स देने हैं कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, अब क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कह देते हैं तुम हमें 2000 लेबर सप्लाई कर देना। कॉन्ट्रैक्टर उस लेबर के नाम के 20,000 रुपए लेता है और उसके हाथ में 15,000, 5,000 रुपए रखता है, 7,000 रुपए रखता है और 20,000 रुपए साइन कराता है। उनको PF नहीं देता है, उनको मेडिकल बेनिफिट्स नहीं देता है, उनको ESI का बेनिफिट्स नहीं देता है, उनको 365 दिन काम कराया जाता है, उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। सो इट्स अ कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन, वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट इट। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1971 जो है उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि जो परमानेंट नेचर का जॉब है, जिसकी 365 दिन जरूरत है, उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते। इट्स अ वायलेशन ऑफ द लॉ, इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसानियत के खिलाफ है। हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन जैसे ये बिल्डिंग बननी है, ये बिल्डिंग अब 6 महीने में बन जाएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। यहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखनी पड़ेगी जो परमानेंट नेचर के जॉब नहीं है। वहां पे हम लोगों को जो लेबर लॉज हैं, मिनिमम वेज एक्ट है, उसको एनफोर्स करवाना पड़ेगा। सो आई फुली एग्री विद यू। हाँ जी,